खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एनआरसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि एनआरसी पर अभी शुरुआत नहीं हुई तो उन पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य में वो एनआरसी लागू नहीं होने देंगे और यदि ऐसा होता भी है किसी हालत में तो कोई इससे सफर ना करे, ये सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ नवाब मलिक जी हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता। सर, उद्धव ठाकरे ने मौलानाओं से मुलाकात की, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की और कहा कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए, एनआरसी पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, लागू करने की कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। देखिए, जो मीटिंग थी उसमें मैं भी खुद था, सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के विद्यार्थी थे और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें थे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री के नाते उन पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन एनआरसी लागू नहीं होगा ये पवार साहब ने भी कहा है और उद्धव जी ने भी कहा है। अब अमित शाह जो सीधे यू टर्न ले रहे हैं, मोदी जी यू टर्न ले रहे हैं, आज से 15 दिन पहले तक लगातार छाती ठोक ठोक के अमित शाह कह रहे थे कि हम एनआरसी लागू करेंगे, लोगों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रख देंगे, लोगों को उठाकर देश से बाहर भेज देंगे। कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी समाज खड़ा हो गया जिसका अंदाज इनको लगने लगा है, इसलिए उन्होंने यू टर्न लेने का काम किया है। अब एनपीआर को लेके बोल रहे हैं कि 8,500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देश का कानून है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है, पशु गणना होती है, मकान का गणना होता है, हर चीज होता है। आप सिर्फ बोलते हैं कि लोग बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और जन्म तारीख क्या है, तो अमित शाह जी को पता होना चाहिए कि आधार देश में 95-97% लोगों के पास है, उसमें जन्म तारीख और बर्थ प्लेस लिखा हुआ है, तो आधार से जोड़ दीजिए ना। 8,500 करोड़ रुपए किस ठेकेदार के लिए खर्च होने वाले हैं? कोई ठेकेदार को कहीं काम देने का डाटा कलेक्शन का ही कार्यक्रम है? हमें लगता है अमित शाह जी कुछ अपने दिमाग में नया नया पैदा करते हैं और देश को परेशान करने का काम करते हैं। हमें लगता है ये एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, आधार से लिंक हो गया सेंसस तो ये सारे डाटा की कोई जरूरत नहीं, कहीं कोई ठेकेदार को ठेका देना है 8,500 करोड़ को लेके ये शंका खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर विश्वास जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, यू टर्न ले रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो मुझे उन पर भरोसा है और हमें भरोसा होना चाहिए प्रधानमंत्री के बयान पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं होगा तो विश्वास तो प्रधानमंत्री पे करना चाहिए, लेकिन अमित शाह जो लगातार 15 दिन पहले तक पार्लियामेंट के पटल पर, सभाओं में, मीडिया में जो रटे हुए तोतों की तरह कह रहे थे कि एनआरसी देश भर में लागू होगा, तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि अपने शब्द कब वो वापस लेंगे। अमित शाह यू टर्न मार रहे हैं तो माफी मांगेंगे क्या देश के साथ? जो डर पैदा किया उन्होंने, सारा डर अमित शाह ने लगातार देश में पैदा किया, समाज को विभाजित करने के लिए पैदा किया, लेकिन समाज विभाजित नहीं हो रहा है, पूरा समाज इकट्ठा हो गया। बीजेपी को अंदाजा आ गया कि धर्म पर आधारित राजनीति से लोग अभी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए यू टर्न प्रधानमंत्री ने लिया है और अमित शाह जी भी यू टर्न ले रहे हैं। बोलते हैं नहीं करेंगे तो विश्वास है, लेकिन करेंगे तो उद्धव जी ने भी कहा है, पवार साहब ने भी कहा है कि एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। डिटेंशन सेंटर को भी लेकर एक मुद्दा सामने आया है और उसमें अलग अलग दलीलें आ रही हैं, पक्ष आ रहे हैं, आपका क्या मानना है, पार्टी का क्या स्टैंड है, जो जिस प्रकार के डिटेंशन सेंटर को लेकर कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स पेडलर ऐसे लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि डिटेंशन सेंटर को लेकर बीजेपी ही लोगों को गुमराह कर रही थी कि हम मुसलमानों को पकड़ेंगे डिटेंशन सेंटर में, जिस तरह से आसाम में डाला गया रखेंगे और विदेश में भेज देंगे। और डिटेंशन सेंटर जो बनाया जा रहा था 30-40 लोगों का, जो फॉरेन के ड्रग पेडलर थे, ये विदेशी नागरिक थे, विशेषकर नाइजीरिय नागरिक थे, उनको डिटेन करके बाहर भेजने के लिए था। लेकिन बीजेपी का सोशल मीडिया, बीजेपी का पूरा नेता, बीजेपी के सारे कार्यक्रम बार बार गुमराह लोगों को कर रहे थे। हम लोगों ने गुमराह नहीं किया लोगों को, अगर सफाई अमित शाह दे रहे हैं तो उनका पूरा जो सोशल मीडिया का सेल है वो इसको प्रचार कर रहा था, उनकी ट्रोल आर्मी काम कर रही थी, लगातार लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है। गुमराह अपोजिशन ने नहीं किया, गुमराह बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब डिफेंसिव हो गई है।
एक घटना मुंबई में घटित हुई है, मुंबई के वडाला इलाके में एक युवक ने फेसबुक पर टिप्पणी की और उसके बाद में शिवसैनिकों ने उसको पीटा और फिर उसका बाल टकला कर दिया, गंजा बाल निकाल दिया। इस प्रकार की घटना किस तरह से देखते हैं आप, क्या इसे उचित मानते हैं? एक तरफ आप ही कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, कई लोग राजनीतिक टिप्पणी करते हैं फेसबुक पर तो आए दिन ये सब शब्द भरे होते हैं, लेकिन इस प्रकार से कदम उठाना क्या उचित है? देखिए, कानून हाथ में लेना किसी को अधिकार नहीं है। अगर बाल मुंडवाया गया, कुछ उनके साथ गलत काम हुआ तो उसको हम कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल को समझना पड़ेगा कि लगातार सोशल मीडिया पे गाली देना, लगातार लोगों के बारे में अपशब्द कहना, राइट टू स्पीक इज नॉट राइट टू अब्यूज, अगर लोगों को गरियाएंगे तो भावना लोगों की बढ़ती है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ऐसा ना करें, लेकिन बीजेपी को अपने गालीबाजों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर वे लगातार सोशल मीडिया पे नेताओं को गरियाते रहेंगे तो कार्यकर्ता ज़्यादा दिन उनका सब्र का बांध टूटेगा। बोलने की आज़ादी का मतलब गाली देने की आज़ादी नहीं है। गालीबाज जो कार्यकर्ता है बीजेपी, उनको कंट्रोल करे, हम उनसे विनती करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक, जिनका एनआरसी के मुद्दे पर साफ करना है कि अगर अमित शाह के बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत नहीं है तो अमित शाह को अपने बयान वापस लिए जाना चाहिए और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन अजीत कदम के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।